बंद करो, बंद करो, सारा पास ताना बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्ट शासन हाय हाय, हाय 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 हाय, भ्रष्ट शासन हाय हाय, बंद करो, भ्रष्ट शासन हाय हाय, हाय 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 हाय, भ्रष्ट शासन हाय हाय, हाय 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 हाय, सानो को उजाड़ना बंद करो, बंद करो, जनतंत्र मेरा शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, किसानों का शोषण करो, बंद करो। नेता जी, आज किस लिए ज्ञापन दिया गया है? आज हमारे बनारस के पिंडरा ग्राम सभा में किसानों की जमीन खड़ी फसल गन्ना बोया गया था, मक्का बोया गया था, धान की रुपाई हो चुकी थी, प्रशासन ने बिना कोई सूचना दिए उनकी ज़मीन को ध्वस्त कर दिया, जबकि किसान सैकड़ों साल से उस ज़मीन पर काबिज है और अब कहते हैं कि वो ज़मीन वन विभाग की है। यदि और जिसमें कि चकबंदी के दौरान ज़मीनों का एक मालियत लगा गया, किसानों को वहाँ पर ज़मीन अलाट किया गया अर्थात चक काटा गया और उस पर किसान अपना ज़मीन की जुताई बुआई कर रहे हैं और कुछ निर्माण भी कराए थे। अब वो कहते हैं कि ये ज़मीन वन विभाग की है और उसको हमारे वहाँ के स्थानीय किसानों ने जाकर न्यायालय में अपील की और उसकी मुकदमा चल रही है और 8 तारीख को उसकी तारीख है, मगर परसों के डेट में जाकर के वहाँ पर बुलडोजर जलाकर उनका घर ध्वस्त कर दिया गया, जेसीबी लगा उनकी खड़ी फसल को नष्ट कर दिया गई। और उसी संदर्भ में आज हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देने आए हैं कि जब न्यायालय में विचाराधीन है तो उस पर बुलडोजर चलाने की आवश्यकता थी, यही उनको संज्ञान में देने के लिए हम लोग। क्या आश्वासन मिला? अब उन्होंने एडीएम साहब ने ज्ञापन लिया, कहे कि मैं डीएम साहब को अवगत करा दूंगा। लोकसभा चुनाव से पहले भी किसानों का मुद्दा रहा, लोकसभा चुनाव के बाद भी मुद्दा रहा, तो क्या लगता है कि किसानों की इस सरकार में दशा? यह सरकार किसान नौजवान बेरोजगारों की विरोधी सरकार है और दुर्भाग्य हमारे देश का कि वर्तमान समय में हमारे ये सरकार आज कायम है। आगे बंधु हाईकोर्ट जाएंगे, न्यायालय का दरवाजा खटखटाते रहेंगे, जब तक हमको न्याय मिले नहीं मिलेगी तब तक हम न्यायालय के ऊपर विश्वास करके हम अदालत के दरवाजा खटखटाते रहेंगे।